हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी पहली इंटरनेशनल यात्रा पर ले जा रहा हूँ। तो आज हम चल रहे हैं इंडिया से चाइना की तरफ वाया हांगकांग। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं चाइना जाने के लिए, जैसे कि सिंगापुर से भी जा सकते हो, आप बैंकॉक होते हुए भी जा सकते हो या ताइवान होते हुए भी जाते हैं, पर हम लोग हांगकांग से जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक है चाइना से और काफ़ी इजी होता है वहाँ से चाइना जाने के लिए। तो अगर आप हांगकांग में जाते हो, आप वहाँ से फ्लाइट से भी आगे जा सकते हो, वाया बस भी वहाँ पे मिल जाती है आपको। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको हांगकांग से मिल जाते हैं। ऑटो लेके ठाणे स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमें ठाणे स्टेशन से हम लोग लोकल्स में ट्रैवल करेंगे, वहाँ से हम लोग चलेंगे घाटकोपर। घाटकोपर इसलिए क्योंकि घाटकोपर से हम लोग मेट्रो पकड़ सकते हैं। मेट्रो जो कि है वो मुंबई एयरपोर्ट पे जाती है मुंबई एयरपोर्ट पे जाती है। तो काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता है मेट्रो से जाना, क्योंकि अगर आप कहीं से भी आप लोकल पकड़ सकते हो मुंबई में, तो मुंबई में बहुत सारे ऑप्शन है आपको एयरपोर्ट जाने के लिए। तो हम लोग सबसे सस्ता और अच्छा इजी हम लोग ऑप्शन चूज़ करते हैं, जो कि है लोकल और उसके बाद मेट्रो। मेट्रो जो आपको काफ़ी नज़दीक वहाँ पे छोड़ देती है, बट वहाँ पर भी जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ से हमें अंदर जाने के लिए ऑटो या कोई टैक्सी करनी पड़ती है, क्योंकि मेट्रो तो अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल टू की तरफ, जो ऑटो से ही आपको टर्मिनल टू पे छोड़ देगा। ऐसे बहुत सारे टर्मिनल्स मुंबई एयरपोर्ट पे है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो हम लोग अभी टर्मिनल टू पे तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमारी एंट्री है। वैसे तो टिकट पे मेंशन किया हुआ होता है कि आपको किस टर्मिनल पर जाना है, तो आप लोग वो पहले चेक कीजिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आती है। अगर आप लोग गलत टर्मिनल की तरफ आ गए तो आपको काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी चलते हैं टर्मिनल टू के तरफ, फिर वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे एयरपोर्ट के अंदर। मैं पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। वैसे चलो दोस्तों, फिर हम लोग अभी चलते हैं एयरपोर्ट के पास। आ गए हम लोग अंदर। अभी ये वाला तो सेकंड मतलब नीचे वाला सेक्शन है। अगर हम लोग पार्किंग से कार पार्क करके हम लोग आते हैं अंदर, तो ये वाला व्यू दिखेगा। इसके ऊपर भी और एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोगों को टैक्सी भी छोड़ देती है, तो वो वाला व्यू आपको रिमेम्बर होगा, आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, जहाँ से सेलिब्रिटी एंटर करते हैं। दिखाऊँगा, काफ़ी बढ़िया लगा है और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और देखने लायक है। आप अंदर भी और बाहर से भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग अभी अंदर चलते हैं, वहाँ से हम लोग हमारा बैग चेक, टिकट चेक सब करवाए। अभी हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग फ्लाइट लेंगे चाइना के लिए। यहाँ से हांगकांग है, फिर बाद में चाइना जाने वाले वहाँ। अरे भाई, कितना बड़ा एयरपोर्ट है अंदर से, आप लोग ज़रूर आना चाहिए, देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, शॉपिंग की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं और सारे मतलब एंटरटेनमेंट चीज़ें सारी मिल जाएगी आप लोग, मतलब घड़ी से लेकर क्लोथ, बाकी कुछ जैसे डेकोरेटिव आइटम्स है वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। हेलो गाइस, हमारी फ्लाइट थोड़ा डिले है। कितना डिले है? शायद एक घंटा डिले है। हाफ एन आवर अभी डिले है। तो हम लोग गेट नंबर तो अभी नहीं जाएंगे, कुछ घूमते हैं एयरपोर्ट का। अभी हम भी फर्स्ट टाइम आए एयरपोर्ट पे, ये जो पता नहीं हमारा कुछ एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल है दोनों, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग
प्रायोरिटी पास के बारे में बात करेंगे। अभी मेरे पास प्रायोरिटी पास है जो हम लोग एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने के लिए यूज़फुल होगा। मेरे पास ये RBL का कार्ड है और उसका प्रायोरिटी पास है। तो अभी मेरे पास और कार्ड है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलते हैं आगे। मेरे पास SBI का प्राइम कार्ड है जिसमें आपको इंटरनेशनल या डोमेस्टिक के लिए आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस वाला प्रायोरिटी पास मिल जाता है। उसके बाद मेरे पास दूसरा कार्ड है जो RBL का है। RBL का कार्ड काफ़ी अच्छा है और इसका प्रायोरिटी पास आपको उस कार्ड के साथ ही आता है, एक्चुअली जब हम लोग अगर मैं बताऊँ, जैसे SBI का प्रायोरिटी पास आपको बाद में अप्लाई करना पड़ता है तभी आपका वो कार्ड में प्रायोरिटी पास मिलेगा। मगर अगर आप लोग RBL का क्रेडिट कार्ड चूज़ करते हैं तो उसका RBL का क्रेडिट कार्ड में है जो बहुत सारे कार्ड्स हैं उसमें से आपको वर्ल्ड सफारी कार्ड चूज़ करना है जिसमें आपको प्रायोरिटी पास फ्री या उसके साथ ही मिलता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है RBL का प्रायोरिटी पास। इसके वजह से आप लोग इंटरनेशनल में 4 और डोमेस्टिक के भी 4 ऐसे साल में एक्सेस कर सकते हो। ये काफ़ी यूज़फुल है एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के वजह से हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स होता है। जैसे हम लोग वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री फूड, फ्री वाईफाई, फ्री ड्रिंक कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप लोग अगर नहाना चाहते हो तो वहाँ पे वो भी है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है और काफ़ी अच्छा माहौल होता है एयरपोर्ट लॉन्च में। तो आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। और वो अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है या फिर कुछ घंटे के बाद होती है तो आपको काफ़ी मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही कहीं बैठ के वेट करना पड़ता है। उससे बेटर ऑप्शन है एयरपोर्ट लॉन्च का जो एयरपोर्ट लॉन्च सॉरी जो मैंने कार्ड लिया था इसमें लॉन्च एक्सेस मिला था मुझे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस। उसके इसमें फिर मैंने 2 घंटा वेट किया हुआ और खाना खा के अब एयरपोर्ट फ्लाइट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से हमारी टर्मिनल होगा जहाँ से हम लोग फ्लाइट डिपार्चर करेंगे। हाँ तो पता नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन है यहाँ पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है अक्सर में, सारे फ्लाइट्स लाइन से खड़ी हुई है, मज़ा आएगा। ओ ये देख सकते हैं लॉन्च एयरपोर्ट का व्यू, कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है ग्लास की वजह से, और जितना बेस्ट व्यू हो सकता है उतना दिखा रहा हूँ आपको। वाह, सारी फ्लाइट्स लगती है अपनी अपनी जगह पे। उस जगह कुछ विस्तारा वाली है, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, उधर भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, बड़ी वाली फ्लाइट्स। वो पीछे स्पाइस जेट एयर इंडिया का आपको दिख रहा होगा, एयर इंडिया, मैं जूम करके दिखाता हूँ, भारत की शान, ये एयर इंडिया और विस्तारा की फ्लाइट है, देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है। आगे 77 तक हमको जाना है, हमारी फ्लाइट वहीं पे पार्क है, क्या बोल सकते हैं, हमारा प्लेन वहीं पे पार्क है, हम लोग जा रहे हैं। और टाइम हो गया, अभी इधर ही एंजॉय कर रहे थे हम लोग एयरपोर्ट लॉन्च पे जाके। मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई है, अभी और खाने का मन नहीं, बट एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर भी हम लोग खा सकते हैं। मैं आपको अभी हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, वैसे फ़्लाइट में खाना बट अगर आपको फ़्लाइट में खाना है तो वैसे हम लोग जब टिकट बाय करते हैं उसी टाइम वो ऑप्शन आता है, हम लोग वो वहाँ से भी वेज, नॉन वेज
या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग टिकट में ही वो चीज़ ऐड करवा लेते हैं तो काफ़ी इजी पड़ता है, और वैसे अगर नहीं करवाते हैं तो वैसे हम लोग वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट उसके लिए वो चार्ज करते हैं। तो उससे अच्छा बेटर है कि आप लोग टिकट बाय करते हुए कि उस चीज़ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग खाने का मेन्यू होता है, तो बहुत सारे एयरलाइंस का काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। जैसे अभी तो अपना एयर इंडिया का भी काफ़ी अच्छा हो गया है, उसके बाद फिर विस्तारा और इमिरेट्स का, इनका तो काफ़ी बढ़िया खाना होता है। तो हम लोग डेफिनेटली खाना ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है हम लोग ये खाने। फ्लाइट के अंदर के खाने की बात करें, उससे पहले अभी हम लोग पहले फ्लाइट टेक ऑफ का जो नज़ारा है उसके मज़ा लेते हैं। तो काफ़ी आवाज़ आती है फ़्लाइट की, इतनी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बैठते हो तो आपको बहुत फील होगा वो आवाज़ और वाइब्रेशन काफ़ी बड़ी। अगर आप इंजन के आसपास भी अगर हो तो आपके कानों में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, उसकी शोर काफ़ी शोर होता है। तो ये काफ़ी अभी तो स्लो चल रही है, अभी स्लोली स्लोली फ्लाइट स्पीड पकड़ेगी। तो जैसे ही ये अपने ऑप्टिमम स्पीड पर आ जाएगी, मैक्सिमम स्पीड पर आ जाएगी, तब ये टेक ऑफ कर लेगी। तो अभी मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, इतना प्यारा व्यू लगता है जब ये अभी आगे टेक ऑफ करेगी। तो अभी थोड़ी देर में टेक ऑफ करेगी, अभी ये हो गया टेक ऑफ। तो बाप रे, काफ़ी झटका लगता है टेक ऑफ करते वक्त, लैंड करते वक्त भी ऐसे ही झटका लगेगा आपको, मगर टेक ऑफ करते वक्त भी काफ़ी झटका लगता है। अभी हम लोग देखते हैं, ये मुंबई का नज़ारा है, और ये रहा मुंबई का नज़ारा, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और सब तरफ अंधेरा, बस लाइट ब्लिंक कर रही है, सारी लाइटें दिख रही है। तो अगर दिन होता तो और अच्छा नज़ारा आता है, मगर अभी हमारा नाइट की फ्लाइट है, तो देखिए कोई भी है, पर ये भी काफ़ी बढ़िया व्यू लग रहा है। तो ये हमारी मुंबई है, काफ़ी बढ़िया दिखती है। वैसे रात का नज़ारा है, अभी देखो समंदर स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो ये पूरी की पूरी चौपाटी दिख रही होगी आपको, सारे समंदर किनारा। तो और फ्लाइट यहाँ से घूमकर रिटर्न आती है हमें, क्योंकि इंडिया से ही क्रॉस करके जाना होता है। तो अभी ये फ्लाइट राउंड करके वापस से मुड़कर जैसे नासिक, उसके बाद नागपुर, या फिर आगे पश्चिम बंगाल, फिर होते हुए वो आगे हमारी चाइना की तरफ जाएंगे। तो अभी तो हम लोग देखते हैं, अभी ऊपर तो आ चुका है और यहाँ पे नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग खाने का भी इंतज़ार करेंगे, जैसे ही फ्लाइट ऊपर जाती है एयर होस्टेस खुद खाना ला के दे देगी। तो मैंने आपको अभी पहले दिखाया, कुछ चम्मच दिया है खाने में, अब पीछे कहाँ ये चार्जर फंस रहा है ना, दिख ही रहा है तुम्हारा। यहाँ पे मेरे पास नॉनवेज सलाद भाई मोबाइल, और यहाँ पे रसगुल्ला है, स्वीट चिली, थोड़ा सा कस्टर्ड। तो मिल चालू करते हैं, हम लोग मिल चालू करते हैं। हम लोग अभी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अगर सफ़र करते हैं कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक के लिए, तो बैग पैक कैसे करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे हर कंपनी की, हर एयरलाइंस की एक अलग अलग वेट कैटेगरी होती है, जैसे कि इकोनॉमी और बिजनेस के लिए। तो हम लोग बैग पैक कैसे करें, जैसे कि हर, जैसे मैं मेरे अगर एयरलाइन के बात करूँ कैथे पैसिफिक का, इसमें हमें अगर बैग का वेट था तो हमें वो 22 केजी था, वैसे तो 30 केजी बाकी एयरलाइंस हमें देती है, मगर इस वाले का 22 केजी का ही हमें मिला था। तो वैसे हमने बड़ी पैक 22 केजी के अंदर ही हमने बैग पैक की थी। तो अभी हमारा काफ़ी दिनों का सफ़र, मतलब काफ़ी दिनों का स्टे है चाइना के अंदर, उस वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बैग पैक करी है। तो बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, आपका लैपटॉप या आप कुछ जैसे कैमराज हो या फिर कुछ पाँच, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ,
जो कि आप किसी इंटरनेशनल जगह पे जा रहे हो या किसी बाहर कंट्री में जा रहे हो, तो आप इंडियन फूड जो स्नैक्स होते हैं या कुछ जो रेडी टू कुक वाले फूड होते हैं वो आप साथ में ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल और मतलब काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको वहाँ पे खाने के लिए। क्योंकि जैसे अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग खाना होता है, वो हम लोगों को मतलब खाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो अभी तो मैं चाइना जा रहा हूँ, तो आपको पता है चाइना में क्या क्या चीज़ें खाई जाती है। तो अभी हमने हांगकांग में लैंड किया है, यहाँ पे बाद हम लोग अभी इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेंगे। यहाँ पर मैं कुछ यूट्यूबर्स को बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप सिक्योरिटी चेक कर लो, आप तुरंत आपके फ्लाइट पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हो। तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं, टाइम हो गया अभी सर, तो सिर्फ 12:10 आया, अभी आगे और जाना है। अभी हम चलते हैं आगे, अभी हम लोग हांगकांग में हैं, हांगकांग से हम लोग चाइना के लिए फ़्लाइट लेंगे। तो अभी हम यहाँ के खाने का भी बताता हूँ इस फ्लाइट के अंदर का। तो इस फ्लाइट के अंदर हम लोगों को अगर देख सकते हो तो कुछ एक अंडा और ये वाला आलू का सब्जी कुछ मिला है, और बाकी तो एक फ्रूट और कुछ है, देखते हैं खाते हैं मज़ा आएगा। और चलते हैं, जैसे लैंड हो जाएंगे हम जल्दी से हमारे अगले सफ़र के लिए निकलते हैं चाइना में। हेलो, अभी हम लोग चाइना पहुंच गए हैं शंघाई एयरपोर्ट पे, और यहाँ से हम लोग हमारे बैग कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो सारे लोग चले गए क्योंकि हम लोग वॉश एरिया चले गए थे, तो थोड़ा टाइम हो गया, बैग कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, जल्दी से कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में सिर्फ गाड़ खरीदते हैं, फिर टैक्सी लेके सीधा होटल जाते हैं। आपको मैं आगे अपडेट करता रहूँगा, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस अभी हमने हमारा इमिग्रेशन ख़त्म किया है, और अभी हम लोग टैक्सी बुक करने जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग हमारे होटल पे जाएंगे, शायद जिंगसू में है वो। तो काफ़ी दूर, काफ़ी लंबा सफ़र है, मैं आपको रास्ते में पढ़ने वाले सारे डेस्टिनेशन या कुछ बड़ी चीज़ अच्छा बढ़िया चीज़ें दिखेंगी वो आपको मैं दिखाऊँगा। चीन में विज़िट करते वक्त बहुत सारे ऐप्स जो चलते नहीं हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और अदर सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं वो चलते हैं, बट चाइना में इन सब पे बैन है। वहाँ पे आप यूट्यूब, ट्विटर या कुछ भी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, उनका उनका खुद का अलग ऐप वो यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चाइनीज़ ऐप्स बैंड है, वैसे उन लोगों का भी इंडिया के बहुत सारे या वर्ल्ड के कुछ बहुत सारे ऐप्स वहाँ पे बैन है। तो हम लोग वहाँ पे वी चैट यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है टैक्सी बुक करने में, बिल भुगतान करने में, खाना ऑर्डर करने में, और ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे अगर आप विज़िट करते हो, अलग अलग जगह घूमने जाते हो, तो वी चैट से आप पहले ही अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर चाइना में आप लोग जाते हो तो वी चैट का यूज़ काफ़ी होता है। यहाँ पर लोग वी चैट का यूज़ इतना करते हैं जैसे हम लोग व्हाट्सअप करते हैं, तो वी चैट से ये पेमेंट भी करते हैं, वी चैट से सारी चीज़ें बुक भी करते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल होता है वी चैट ऐप ये करना। और वैसे
अगर हम लोग वीचैट ऐप पहले ही इंस्टॉल कर लेते हैं तो जैसे हम लोग चाइना में लैंड करते हैं तो उसका यूज़ करना हम लोग ईजी कर पाएंगे, क्योंकि टैक्सी बुक करने में काफ़ी ईजी होता है। बट वीचैट ऐप के लिए आपके पास लोकल सिम होना बहुत ज़रूरी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं चीन के एयरपोर्ट पे, तो हम लोग पहले जाके सिम खरीदेंगे। वहाँ पे हमें कोई लोकल सिम खरीदना पड़ेगा कभी, मतलब पहले तो सिम खरीदने से पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग करेंसी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पहले हमें सजेशन है, मेरा सजेशन ये है कि आप पहले ही करेंसी, अगर आप लोग किसी कंट्री में जाकर करेंसी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो काफ़ी महंगा जाता है और वो काफ़ी चार्ज करते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है आप इंडिया में ही करेंसी कन्वर्ट करवा लीजिए। तो हम लोग वहाँ पर हमारा कोई भी लोकल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है, तो इसलिए हमें हमारे पास कोई भी फॉरेक्स कार्ड लेना ज़रूरी है। हमारे पास फॉरेक्स कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड नहीं है तो आप किसी भी कंट्री की करेंसी वहाँ पे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे हमने तो एक थॉमस कुक का कार्ड लिया था जो कि सिंगल करेंसी कार्ड था, जिसमें हम लोगों ने डॉलर कन्वर्ट करवा के लिए थे, तो उस वजह से काफ़ी यूज़फुल हुआ है वो कार्ड। अभी हमारा होटल नज़दीकी है तो काफ़ी कम बचा है डिस्टेंस, तो अभी हम लोग होटल पे पहुँचे। कि मैं आपको हमारा होटल का भी व्यू दिखाऊंगा। एक्चुअली हम लोग अभी कुनशान साइड में आए हुए हैं, जो कि शंघाई से 40 या 45 किलोमीटर दूर है, और हमारा होटल का नाम है रामादा प्लाज़ा। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस इंडिया में भी है और वर्ल्ड वाइड है इसकी ब्रांचेस। तो मैंने सुना था और देखा है काफ़ी अच्छा होटल है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ वहाँ का कैसा है। ये मैं हम लोग होटल पहुँच गए, ये बाहर का व्यू है, हमें अंदर से भी व्यू दिखाऊंगा कि काफ़ी नाम सुना है इस होटल का। तो अगर आप लोग इस कुंचान साइड में आते हैं तो ज़रूर आना, काफ़ी बढ़िया एंट्रेंस है इनका और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनका एंट्रेंस भी काफ़ी बढ़िया है और सब सही है। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, वहाँ पर रूम का भी है, सारी बुकिंग देख लेते हैं। तो ये वाले फ्लावर्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं यहाँ पर, आप जब भी एंट्रेंस करते हो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। ओ माय गॉड, क्या झूमर है भाई, वाह बढ़िया है। और यहाँ पे इन लोगों ने शायद पियानो भी रखा हुआ है, अगर आपको आता है तो आप बजा भी सकते हो यहाँ पर। वाह क्या व्यू है। तो अभी हम लोग हमारे रूम के तरफ चलते हैं। यहाँ से हमको 806 वाला रूम मिला है, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा है। वैसे बहुत सारी रूम्स हैं यहाँ पर अलग अलग, मतलब जैसे प्रीमियम लेना चाहे तो प्रीमियम भी मिल जाएगा, रिजनेबल भी है। 408 यूआन से ये स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो ये अंदर का व्यू है रूम का आपके लिए, सब सिंगल बेड वाला, सिंगल पर्सन के लिए या कपल के लिए है ये। तो काफ़ी अच्छा रूम है अंदर से भी और बढ़िया है सिंगल पर्सन के लिए भी, तो मज़ा आएगा। तो हमारा यहाँ पे काफ़ी दिनों का स्टे है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए और फॉलो ज़रूर करिए। काफ़ी अच्छे वीडियोस मैं आपको डालने वाला हूँ चाइना के, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे।